हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज डेलिकेसी। आज बना लेंगे स्पिनच फ्रिटर्स, पालक के पकौड़े। क्रिस्प स्पिनच फ्रिटर्स की रेसिपी को आप एंड तक देखिए। स्पिनच फ्रिटर्स को दो तरीके से बनाएंगे, एक में हम साबुत पत्ते का यूज करेंगे और एक में हम कटे पत्तों का यूज करेंगे। पालक को सबसे पहले धो लेना है साफ पानी से, उसके बाद इसके पानी को सुखा लेना है। एक कंटेनर में बेसन ले लिया है 1 कप, इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच आमचूर का पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक। इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे 2। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक बैटर तैयार करेंगे जिसमें लम्स एकदम ना हो। तब तक फेटेंगे जब तक लम्स खत्म नहीं हो जाते। अच्छी तरह से बेसन को फेट लिया है, सारे लम्स खत्म हो गए हैं। चेक करने के लिए कि अब और नहीं फेटना है, इसके लिए हम थोड़ा सा बैटर को हम डाल देंगे पानी में। आप देखिएगा कि बैटर पानी के ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा बैटर रेडी है। में ऑयल गरम कर लेना है, पालक के पत्ते को बैटर में डिप करना है और ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल देना है। अच्छे से गरम ऑयल में फ्राई करना है क्योंकि पालक नहीं तो पानी रिलीज करेगा और अच्छे पकौड़े नहीं बनेंगे। जब पकौड़े एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो हमें फ्लिप कर देना है और दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि खूब फूले फूले अच्छे से पकौड़े बन रहे हैं। पकौड़े दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में सर्व कर देंगे। बचे हुए बैटर में हम ऐड कर देंगे कटे हुए पालक के पत्ते। करीब 12 से 15 पालक के पत्ते मैंने लिए हैं, जिन्हें धोकर बारीक काट लिया है। इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। पालक और बेसन के मिक्सचर को छोटे छोटे बॉल्स टाइप के बनाने हैं। डायरेक्ट ऑयल में, गरम ऑयल में स्पून से ही डाल देंगे, आप चाहे तो हाथों से भी डाल सकते हैं। पकौड़े एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो हमें फ्लिप कर देना है और दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। स्पिनच फ्रिटर्स दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म फ्रिटर्स को सर्व कर देंगे। पालक के पकौड़ों को आप भी ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन भी दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली सारी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।